आज के सिनेमा घर में कहानी फिल्म डॉन की, जो साल 1978 में आई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। सलीम जावेद द्वारा लिखी इस फिल्म के निर्माता नरीमन ईरानी हैं और निर्देशक चंद्र बरोट हैं। भूमिकाओं की बात करें तो इसमें अमिताभ बच्चन, जीना तमान, इफ्तिखार, प्राण, हेलन, ओम शिवपुरी, सत्येन कपूर और पिंचू कपूर ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म में संगीत दिया है, जो सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म के गीत अनजान और इंदिवर ने लिखे हैं। अरे तुम का बताई भैया, हमरा हाल का है। तो कहानी डॉन की, जो अपने समय की, या कह लें कि अभी भी इस फिल्म की जो कथानक है, उसके जो गाने हैं, वो काफी चर्चित हैं, लोग काफी पसंद करते हैं, जिसमें खैके पान बनारस वाला, मैं हूं डॉन, अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में एक अलग छवि बनी। इस फिल्म में उन्होंने अंडरवर्ल्ड बॉस डॉन की और उसके हमशक्ल विजय की दोहरी भूमिका निभाई थी। फिल्म की कहानी बंबई की झुग्गियों के निवासी विजय के इर्द गिर्द घूमती है। जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है बंबई नगरिया, देख बबुआ, नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ, जादू टोने की बजरिया में, जादू टोने की बजरिया में, माया की नगरिया में, बदले झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ। ई है बंबई नगरिया तू देख बबुआ, ई है बंबई नगरिया तू देख बबुआ। वो देखो दूर दूर से, वो देखो दूर दूर से, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं दाव लगाने, यहाँ आते हैं दाव लगाने, देश गांव छोड़ के, प्रीत प्यार तोड़ के, सोया सोया नसीबा जगाने, सोया सोया नसीबा जगाने।
माला माल है, कोई माला माल है, कोई तंग हाल है, जिंदगी है यहाँ की निराली, जिंदगी है यहाँ की निराली। माल कितना भरा फिर भी देखो जरा, यहाँ हर आदमी है सवाली, यहाँ हर आदमी है सवाली। बिगड़ी बना ले, अरे बिगड़ी बना ले, तू कैश करवा ले अपने मुकद्दर का चेक बबुआ, यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ, यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ। शहरों में शहर है शहर बंबई वाह, अरे वाह वाह बंबई वाह, ये बात सभी है उल्टी फिर भी वारे बंबई वाह, वारे वारे बंबई वाह। बिन पानी का धोबी तालाब देखो देखो, यहाँ रेती पे पानी का भाव देखो देखो, घोड़ों पे करोड़ों का दाव देखो, हसीनों से सभी का लगाव देखो। कोई बंदर नहीं है फिर भी नाम बांध रहा, चर्च का गेट है चर्च है लापता, चर्च है लापता, चर्च है लापता। अजब है ये रंग, अनोखा है ढंग, नई है तरंग, नई है उमंग, कोई कंजूस है कोई है मलंग, मची है यहाँ देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग। घुमा के अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे, ये है बंबई नगरिया तू देख बबुआ, ये है बंबई नगरिया तू देख बबुआ। डॉन की कहानी जो है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है। पात्रों का परिचय करा दें, अमिताभ बच्चन डॉन विजय की भूमिका में हैं, तो जीना तमान रोमा की भूमिका में हैं, इफ्तिकार देसीपे डिसिल्वा बने हैं, तो प्राण जसजीत जेजे की भूमिका में हैं, हेलन कामिनी बनी हैं। अमिताभ बच्चन जो डॉन विजय की भूमिका में हैं, वे मुंबई के सबसे बड़े अपराधी हैं जिसे पकड़ने में पुलिस लगी हुई है। हालांकि ये जो अपराधी डॉन है वह एक पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, लेकिन विजय जो डॉन का हमशक्ल है, जो डॉन के साथियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद करने के लिए खुद डॉन बन जाता है, डॉन बनने का दिखावा करता है। वहीं जीना तमान रोमा की भूमिका में है, जो एक साधारण लड़की है जिसका भाई रमेश डॉन के लिए काम किया करता था। रोमा अपने भाई की हत्या के लिए डॉन से नफरत करती है और उसे मारने के लिए डॉन के गिरोह में शामिल हो जाती है। इफ्तिकार जो डीसीपी डिसिल्वा की भूमिका में है, वह मुंबई के पुलिस बने हैं जिनका मकसद डॉन को पकड़कर उसके पूरे आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश करना है। डॉन की मौत के बाद डिसिल्वा ही विजय को डॉन के गिरोह में शामिल होने को कहते हैं, तो वहीं प्राण जो जसजीत जेजे की भूमिका में है, एक पूर्व सर्कस मास्टर रहते हैं जिसे डीसीपी डिसिल्वा ने चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया था। इस कारण जसजीत
की पत्नी की मौत हो गई थी और उसके दो बच्चे लापता हो गए थे। जेल से छूटकर जेजे डीसीपी डिसिल्वा के घर में घुसकर डॉन की लाल डायरी चुरा ले जाता है। वहीं हेलन जो हैं वो कामिनी की भूमिका में हैं और रमेश की मंगेतर हैं। कामिनी डॉन को बहकाने की कोशिश करती है ताकि पुलिस आकर डॉन को पकड़ ले, लेकिन डॉन कामिनी को बंधक बनाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है और इस पूरे घटनाक्रम में कामिनी की मौत हो जाती है। इस फिल्म के गीत संगीत की बात करें तो फिल्म के गीतकार कल्याण जी आनंद जी और इंदीवर अंजान है। फिल्म में जो बैक साउंड है वो अनिल मोहिले ने दिया है और इस फिल्म के गाने जो हैं वो 5 हैं जिन्हें किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने अपनी आवाज़ दी है। डॉन से पहले कल्याण जी आनंद जी ने अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर में भी काम किया था। तो फिल्म कहानी जो है वो डॉन की, जिसमें इस फिल्म में वेस्टर्न संगीत बीट्स और ब्रास के इंस्ट्रूमेंट्स का काफी प्रयोग किया गया था। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कौन। डॉन 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 डॉन। साल 1979 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में कल्याण जी आनंद जी, किशोर कुमार और आशा भोसले को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इस फिल्म के दो गाने ये मेरा दिल और खई के पान बनारस वाला तो लोगों की पसंद बन गए थे और युवाओं के दिल की धड़कन बन गए थे। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया। की कहानी शुरू होती है जिसमें मुंबई में एक अंडरवर्ल्ड अपराधी है जिसकी तलाश मुंबई पुलिस और इंटरपोल दोनों कर रहे हैं और वह बार बार पुलिस को चकमा देकर इंटरपोल को चकमा देकर गायब हो जाता है। वह मोस्ट वांटेड अपराधी है। इंटरपोल की मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल डॉन हर बार पुलिस को चकमा देता है और भाग जाता है। वह बहुत ही निर्दयी स्वभाव का है। उसके इस स्वभाव के कारण पुलिस के अलावा भी कई दुश्मन हैं जो डॉन को पकड़ना चाहते हैं, उसे सजा देना चाहते हैं, लेकिन डॉन किसी के हाथ नहीं आता। डॉन ने एक बार अपने ही एक सहकर्मी जो उसके साथ काम करता था रमेश, उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद रमेश की मंगेतर कामिनी और उसकी बहन रोमा डॉन की दुश्मन बन गई हैं।
कामिनी डॉन को बहकाने का प्रयास करती है, लेकिन वह चाहती है कि किसी तरह पुलिस डॉन को पकड़ ले ताकि वह अपने पति का बदला ले सके। तो वहीं रोमा भी चाहती है कि डॉन हर हाल में पकड़ा जा सके, लेकिन डॉन तो ऐसा है कि वह किसी के हाथ नहीं आता। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में कामिनी की मौत हो जाती है। कामिनी की मौत भी रोमा को अंदर से झकझोर देती है। वह हर हाल में डॉन से अपने भाई और अपने भाभी का बदला लेना चाहती है। रोमा डॉन से बदला लेने के लिए अपना पूरा लुक बदल लेती है। वह जूडो कराटे सीखती है और डॉन के गिरोह में ही शामिल हो जाती है।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर, जिसमें आज की फिल्म है डॉन। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। 5 मिनट 10 मिनट डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र से परीक्षा की चिंता को दूर भगाओ। उनके इन्हीं संदेशों से प्रेरित होकर NCPCR बना रहा है परीक्षा पर्व, जिसमें बच्चे विशेषज्ञों से बातचीत कर परीक्षा के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये कार्यक्रम 8 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी www.ncpcr.gov.in पर प्राप्त करें। कहानी डॉन की। तो रोमा डॉन को हर हाल में पुलिस के हवाले करना चाहती है। वह डॉन की मौत चाहती है क्योंकि डॉन ने उसके भाई और भाभी की जान ले ली है। डॉन किसी के पकड़ में नहीं आता, लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ी है। पुलिस जब तक डॉन को पकड़ती, DCP डिसिल्वा डॉन को पकड़ ही लेते, लेकिन इस बीच डॉन की मौत हो जाती है और डॉन के पास पहुंचने का डिसिल्वा का सपना अधूरा रह जाता है। उधर रोमा भी जब सुनती है कि डॉन की मौत हो गई है तो उसे भरोसा नहीं होता। डिसिल्वा डॉन और उसके गिरोह को पकड़ने के लिए, उसके गिरोह को सामने लाने के लिए डॉन को दफना दिया देते हैं। उधर मुंबई की झुग्गियों में रहने वाला विजय एक सीधा साधा इंसान है जो मुंबई में नाच गाना कर अपना और अपने दो बच्चों के पालन पोषण की कोशिश कर रहा है। DCP डिसिल्वा की मुलाकात एक बार विजय से होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि विजय डॉन का हमशक्ल है। तो वह एक प्लान बनाते हैं। वह विजय से डॉन बनने को कहते हैं ताकि विजय पुलिस को उसके डॉन के गिरोह के सारे भेद बता दे। विजय जो झुग्गियों में रहने वाला है और नाच गाकर अपना पेट पालता है। भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा, पर ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनो रसवाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया। हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया। हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं, कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा साधा मैं, कैसा भोला भाला।
जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी बाबा, अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो की चाल, वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा। डीसीपी डिसिल्वा विजय से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि उसका चेहरा डॉन से मिलता है और उसके जरिए ही वे डॉन के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना चाहते हैं। विजय से बात करने के बाद विजय उनकी बात मान लेता है और डॉन बनकर वापस उसके गिरोह के पास चला जाता है। वहां उसे कुछ पता नहीं, इसीलिए वह अपनी याददाश्त चले जाने का बहाना बनाता है। इसी बीच जसजीत जेजे जो जेल में बंद है उसे जमानत मिल जाती है, वह जेल से छूट जाता है। जसजीत को डीसीपी डिसिल्वा ने ही गिरफ्तार किया था, जिस कारण जेजे की पत्नी की मौत हो गई थी और उसके दोनों बच्चे लापता हो गए थे। उसके दोनों बच्चे दीपू और मुन्नी का लालन पालन यही विजय कर रहा है। विजय डॉन की एक लाल डायरी ले लेता है और उसे लेकर डीसीपी डिसिल्वा से मिलने जाता है। रोमा भी उसके साथ जाती है और वहां उसे अकेला पाकर वह उस पर हमला कर देती है, लेकिन डिसिल्वा ऐन मौके पर पहुंच जाते हैं और रोमा को भी विजय की असलियत बता देते हैं। यह जानकर रोमा भी विजय के साथ मिल जाती है। अब सबका मकसद डॉन के गिरोह का पर्दाफाश करना है। विजय डॉन बनकर सामने आता है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कौन। डॉन 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 डॉन। मैं हूँ डॉन, we
तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूं डॉन। दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो, मैं हूँ वही, तुम जानो ना जानो, मैंने तो जाना है, महफिल में कैसा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ डॉन। कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल। चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर, और आज कहानी डॉन की। तो विजय डॉन बन जाता है और वह एक डायरी हासिल कर लेता है और DCP डिसिल्वा को दे देता है। उस डायरी को पढ़कर DCP को पता चलता है कि डॉन के बॉस का नाम वरदान है, लेकिन उसके बारे में उससे ज़्यादा इस डायरी में कुछ लिखा नहीं होता है। धीरे धीरे विजय को डॉन के बारे में और अधिक जानकारी मिलती जाती है। एक दिन रोमा की मदद से वह अपने गिरोह में घोषणा करता है कि उसकी याददाश्त अब वापस आ चुकी है। इसी खुशी में एक पार्टी होती है जिसमें पुलिस की रेड पड़ती है। इस रेड में गोलीबारी में DCP डिसिल्वा बुरी तरह घायल हो जाते हैं और पुलिस विजय को डॉन समझकर पकड़ लेती है। विजय उन लोगों को सच बताता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे DCP डिसिल्वा के पास हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाने से पहले ही DCP डिसिल्वा की मौत हो जाती है।
विजय को एक ट्रक से हाई सिक्योरिटी जेल भेजा जा रहा होता है और वह ट्रक से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए रोमा की मदद से एक प्लान बनाता है। विजय इस घटनाक्रम में पूरी तरह उलझ जाता है क्योंकि पुलिस यह मानने को तैयार नहीं है कि वह विजय है। पुलिस मानती है कि वह डॉन है और इधर डॉन के अंडरवर्ल्ड गिरोह को भी यह एहसास हो जाता है कि यह डॉन नहीं कोई और है। ऊपर से वह लाल डायरी जो उसने डीसीपी डिसिल्वा को दे दी थी उसे जसजीत चुरा ले जाता है। विजय रोमा की मदद से पुलिस और नारंग अंडरवर्ल्ड गिरोह के वर्तमान सरगना दोनों को चकमा देने में सफल रहते हैं और वापस अपनी पुराने जिंदगी में लौटने का प्रयास करने लगता है। Yeah।
मुझे इंटरपोल के अफसर आरके मलिक से मिलने की अनुमति मांगता है और उनसे कहता है कि मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत ला सकूं। लेकिन विजय को पता चलता है कि जिसे वह अब तक इंटरपोल का ऑफिसर आरके मलिक समझ रहा था वह वास्तव में वरदान है जो डॉन का भी उस्ताद है। असली आरके मलिक को अगवा कर उनका भेष ले बैठा है और विजय को यह भी पता चलता है कि डीसीपी डिसल्वा की हत्या भी वरदान नहीं की थी। अब विजय के सामने बड़ी मुश्किल है कि वह खुद को कैसे साबित करे कि वह बेकसूर है, वह विजय है, वह डॉन नहीं है। विजय की यह बात पुलिस के अन्य अधिकारियों को भी खटकती है और विजय पुलिस को बताने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। रोमा विजय के साथ है लेकिन वह भी विजय की वह उतनी मदद नहीं कर पाती। अब विजय पुलिस के चंगुल में भी फंसा है और वरदान के गुंडे भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब उसे हर हाल में वह लाल डायरी ढूंढ कर लानी है जिससे वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके। उसकी मदद रोमा करती है। वह लाल डायरी ढूंढने में विजय की मदद करती है। जादू तेरा किस पे चला होगा किसी दिन ये फैसला। वो घड़ी आएगी जाना तूने अभी ये कहाँ जाना है। किसे जीना है और किसको मर जाना है।
एक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना। नाज न कर यूं तीरे नजर पे, आए हमें भी तीर चलाना। जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। वो घड़ी आएगी आएगी वक्त, आने पे तुझको ये समझाना है किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। रोमा वहलाल डायरी ढूंढ लेती है और विजय के पास ले आती है, लेकिन इस लड़ाई में एक गुंडा रोमा से वह डायरी छीनकर उसे जला देता है। अब विजय के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। पुलिस उस दौरान पहुंच जाती है और पूरे गिरोह को चारों ओर से घेर लेती है। उसी समय विजय अपनी जेब से लाल डायरी निकालकर उन्हें बताता है कि जो लाल डायरी उन्होंने जलाई थी वो तो नकली थी। डॉन यानी विजय वह लाल डायरी पुलिस को देता है और अपने निर्दोष साबित होने का ये सबूत बताता है। उसे निर्दोष कर उस पर लगे सभी इल्जाम हटा लिए जाते हैं। इधर जो आर के मलिक है जो नकली है उसे पुलिस छुड़ा लेती है। असली आर के मलिक को पुलिस छुड़ाती है और नकली आर के मलिक को गिरफ्तार कर लेती है। डॉन यानी विजय अपनी बेगुनाही साबित कर देता है। असली आर के मालिक को छुड़ाकर पुलिस वर्धान यानी डॉन के सरताज को गिरफ्तार कर लेती है और विजय रोमा जसजीत दीपू और मुन्नी के साथ अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आता है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कौन। डॉन 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 डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ डॉन। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूं डॉन। अरे
इस तरह विजय अपनी बेगुनाही का सबूत देता है, पुलिस भी पता कर लेती है कि जिसे वह डॉन समझ रही थी वह दरअसल मर चुका है और विजय बेगुनाह है। वह फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता है जिसके लिए वह तड़पता रहता था। उसे डॉन बना दिया गया था, वह कोई गलती नहीं थी, दरअसल डॉन के गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए ही डीसीपी डी सिल्वा ने उसे डॉन बनाया था। हर भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा कर धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनो रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा साधा मैं, कैसा भोला भाला। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये डायलॉग भला कोई कैसे भूल सकता है। तो साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म डॉन के इस डायलॉग ने अमिताभ बच्चन को हिट किया कि वो सालों बाद भी इस फिल्म की कहानी और गानों के लिए जाने जाते हैं। लोग उन्हें इस फिल्म के लिए खास तौर पर याद करते हैं। वैसे वो तो बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाते हैं। डॉन हिंदी सिनेमा की क्लासिक और कल्ट फिल्मों में से एक है, जिसको शुरुआत में तो दर्शकों को उतनी पसंद नहीं आई ये फिल्म, लेकिन जब चली तो ऐसी चली कि छप्पड़ फाड़ कमाई के साथ साथ कई रिकॉर्ड्स इस फिल्म ने तोड़ दिए। तो साल 1978 में डॉन फिल्म जब रिलीज हुई थी, ये इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाई की थी और उस साल लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी। इस लिस्ट में टॉप थ्री में तीनों फिल्में अमिताभ बच्चन की ही थी, जिसमें पहली जो फिल्म थी वो मुकद्दर का सिकंदर, दूसरे पर त्रिशूल और तीसरे पर डॉन थी। अमिताभ बच्चन की ये फिल्म सुपर डुपर हिट और एक्शन से भरपूर, जिसमें गाने बेहतर और अभिनय बेहतर और साउंड ट्रैक भी बेहतर था। इस फिल्म के गाने तो कभी भुलाए नहीं जा सकते।
आज की सिनेमा घर की कहानी थी डॉन, और अब अपनी रेडियो दोस्त काजल को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते